सब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको इसमें ए वेक्टर गिवन है और साथ में बी वेक्टर गिवन है। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर पुट करें डॉट बी वेक्टर पुट करें, आई वाली टर्म को आई के साथ, जे जे के आंसर सीधा -10। तो पहला पार्ट सबको क्लियर है। फिर सेकेंड पार्ट में ए वेक्टर का मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर आंसर। फिर ऐसे ही क्या निकालना है, बी वेक्टर का मॉड। बी वेक्टर का मॉड का मतलब है अगेन इसका आई का, बी जे का और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट। और फिर डी में क्या निकालना है, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड। देखो पहले मॉड बाद में निकलेगा, पहले अंदर क्या निकालना है ये देख लो। आपको निकालना है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, मॉड बाद में निकालेंगे, तो पहले ये निकालते हैं। अब अगर मॉड नहीं लगाया तो यानी कि वेक्टर में आंसर आएगा। तो 3a वेक्टर हमें गिवन है प्लस 2b वेक्टर हमें गिवन है। इसे ओपन कर लें, 3 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, 2 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, आई वाली टर्म को आई में, जे जे में, के में ऐड करेंगे तो नया वेक्टर आ गया। तो नया वेक्टर आ गया, तो आपको क्या निकालना है इसका मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने किया था, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके आई आई जे जे के ऐड करके नया वेक्टर आ गया रिजल्टेंट। आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपका वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 49 सॉल्व करके क्या आएगा 7। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने क्या रूल बताया, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो करके देख लो, दोनों को लिखो, दोनों का डॉट निकाल लो और आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आप लिखेंगे कि हाँ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में किया था, एंगल कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट से। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लें, इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर पुट कर दें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसी बी वेक्टर का निकाल लें, आई को आई से, जे को जे से, के डॉट के 1 होता है, सॉल्व करके न्यूमिनेटर रूट सिक्स, तो न्यूमिनेटर क्या आएगा 3, डिनोमिनेटर क्या आएगा 6, 1/2, कॉस थीटा अगर हाफ है तो थीटा कितने है 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये हमने किया था क्लास के अंदर। ठीक, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो लोग सोचते हैं रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी ना। अगर यहां लगा हुआ है मॉड मैग्नीट्यूड, फिर आर का फॉर्मूला लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ फिर एक वेक्टर में ही चलेगा, क्योंकि ए वेक्टर ए बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक नया वेक्टर है। तो हमने कुछ नहीं करना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, इन्हें ऐड कर दो, आपका आंसर आई जे के में आएगा, दिस इज ए न्यू वेक्टर, ये आ गया। फिर आपने क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप लिखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसे माइनस करें आई को आई में, जे जे के माइनस करके आंसर। आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आता है सबको, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ आंसर। और लास्ट पार्ट में क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आज हमने सीखा। तो आई माइनस जे के कोफिशियंट लिखेंगे ए और बी, फिर आई को रख के 4 नंबर माइनस जे, फिर के सॉल्व करके आंसर आएगा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, लेकिन आपने घर जाके सारी शीट करनी है। नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो कॉपी के अंदर सारी शीट करके लाओगे, मैं होमवर्क चेक करूंगा अगली बार, ऐसे नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नंबर कहाँ से आएंगे। क्लियर है, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ इसमें। जैसे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन, अब प्रूव क्या करना है, दे आर पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर पैरेलल चेक करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लो, आई माइनस जे के, ए का कोफिशियंट बी का कोफिशियंट,
तो आई को रख के जे माइनस जी और के को रख के क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कैसे लगाने टेक्निक समझ में आ रहा है, पर आपने कॉपी में करके लाना है, ये नहीं कि आपका हो गया, आपने करके लाना है, चेक करना है खुद। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जैसे ये वेक्टर है, ये अभी होगा नहीं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम इसे। ये करते हैं कैलकुलेट 1/4, ध्यान से मॉड लग गया, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग कर रखी है, ओपन करें, जो टर्म कैंसिल हो सकती है कैंसिल करें, आंसर। आपको पहला स्टेप समझ में आ गया कि अगर मॉड लगा हुआ है तो रिजल्टेंट, अगर मॉड नहीं लगा हुआ तो रिजल्टेंट यूज ना करना, फिर आई कैप जे कैप में काम चलेगा। ठीक है यहां तक? ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करना है, ओपन करेंगे ए वेक्टर को डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको ओपन करेंगे, a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है, जीरो। ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा बी बी कॉस जीरो। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे अलजेब्रा चलेगा समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर, वैसे वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, वेक्टर तो वेक्टर है, डायरेक्शन का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, पर इसमें चलेगा। क्यों? क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट है, इसे जब ओपन करेंगे तो आंसर स्केलर ही आता है, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। और यहां मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब एन कैप नहीं लेना, ओनली वैल्यू क्या आएगी, ए बी साइन थीटा, क्योंकि मॉड लगने से एन कैप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो इसका स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ओपन करना है इसे? ठीक, ओके।